नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जो कि है वोल्सवैगन पोलो मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियरबॉक्स रिपेयरिंग के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस तरीके से हम इसके ट्रांसमिशन को रिपेयर करने वाले हैं। बेसिकली हम इसमें गियरबॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ओनली जो गियरबॉक्स का मेन पार्ट है यानी कि जो गियरबॉक्स की हाउसिंग होती है उस तरीके से अगर मैं कहूँ आपको तो उस पार्ट को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि इस कार का जो कलच प्लेट था अभी कुछ टाइम पहले ही देहरादून में कहीं किसी टेक्नीशियन के यहाँ चेंज हुआ था, जिसकी वजह से इस कार में हुआ क्या है कि इसके जो बोल्ट्स वगैरह हैं वो कुछ लूज छोड़ दिए थे। तो हुआ अब होने की वजह हो सकता है वो किसी टेक्नीशियन की कमी रही हो या ना रही हो या उन्होंने अच्छे से प्रॉपर ना चेक किया हो फिटिंग करने के बाद, जिसकी वजह से कार आगरा तक आई थी और कार आगरा की ही है और हमारे पास ही रेगुलर इस कार की सर्विस वगैरह भी होती रहती है। लेकिन हुआ क्या है कि जब उन्होंने वहाँ पर ट्रांसमिशन का जो काम था यानी कि जो कलच प्लेट था उसको चेंज कराया, और कलच प्लेट चेंज करने के लिए कोई भी कार हो उसका ट्रांसमिशन अलग करना पड़ता है कार के इंजन से। ओके, तो ट्रांसमिशन जब खोलते हैं तो दोबारा से उसको रीफिटिंग करते हैं तो जो उसकी मेन फाउंडेशन वाले जो बोल्ट होते हैं, जो ट्रांसमिशन माउंट के जो बोल्ट थे, वो बोल्ट लूज थे, जिसकी वजह से जब हम गियर चेंज करते थे तो एक अलग ही आवाज़ आती थी, खट खट, कुछ जर्किंग भी बनती थी कार के अंदर और कुछ बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आती थी और इंजन भी एक साइड से हल्का सा नीचे की साइड झुक गया था। अब ये जो प्रॉब्लम आई है ये आई है गियरबॉक्स की जो हाउसिंग होती है वो एक तरीके से टूट गई है, क्रैक हो गई है, तो वो पार्ट हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं। यानी कि गियरबॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो मेन बॉडी है गियरबॉक्स की वो उसकी बैंड हो टूट गई है, तो जो हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी तो उस पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे और बाकी का हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम उस पार्ट को फिटिंग करेंगे। पूरा प्रोसीजर हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें जो गियर है वो किस तरीके से काम करता है, कौन सा फ़र्क क्या काम कर रहा है, किस फॉर्क पे क्या मेंशन करके दिया हुआ, क्योंकि VW ऑडी वगैरह इन सभी कारों में होता क्या है बेसिकली जब इनके ट्रांसमिशन के फॉर्क होते हैं, नॉर्मली जो टेक्नीशियन होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि ये फॉर्क कौन से वाले गियर शिफ्टर का है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस ट्रांसमिशन में मेंशन करके दी जाती हैं, जिससे कि आपको मैकेनिक को या टेक्नीशियन को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए फिटिंग के टाइम पर। तो वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं और ये जो वीडियो है ये लगभग मेरे ख्याल से 2 से 2.5 साल पहले का वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, तो इस वीडियो में जो ऑडियो क्वालिटी है वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी टाइम पहले की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये वीडियो मैंने अभी जो मेरे ऑलरेडी कुछ वीडियो मेरे आईपैड वगैरह में पड़े हुए थे वो मैं निकाल करके देख रहा हूँ, तो जो जो वीडियो मेरे को अच्छे लग रहे हैं उनको निकाल करके एडिट करके मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ओके, और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि हम आने वाले जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो जो है उनके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए और आप किसी भी वीडियो से बाकी ना रहे। तो आपको क्योंकि हम ज़्यादातर नॉलेजेबल जो वीडियो हैं हम आप तक पहुँचाते रहते हैं, तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट जो कि है वोल्सवैगन पोलो के मैनुअल ट्रांसमिशन रिपेयर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आज फ्रेंड्स मैं आपसे बात करने वाला हूँ वोल्सवैगन पोलो के मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये कार है पोलो और हमने इसका खोला हुआ है मैनुअली ट्रांसमिशन। तो एक्चुअली इस कार में जो ट्रांसमिशन प्रॉब्लम थी वो इसका गियरबॉक्स का जो हाउसिंग है वो बेकार हो चुका है, तो वो बैंड टूट चुका है बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका हाउसिंग जो है ये इस जगह से टूट चुका है और ये मैं इसमें सेकेंड हैंड दूसरा हाउसिंग जो है इसको रिप्लेस करने वाला हूँ। तो ये मैंने दूसरा हाउसिंग इसका लिया खरीदा हुआ है, तो अभी मैं इस पार्ट को इसमें चेंज करूंगा, बाकी के इस पुराने ट्रांसमिशन हाउसिंग को हटा देता हूं। तो ये था इसका ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन में मैं आपको बता देता हूं जिस तरीके से सभी गाड़ियों में 5 स्पीड गियर होता है और 6 स्पीड गियर होता है मैनुअल, सेम उसी तरीके से इसमें भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। ओके, तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको इसके गियरबॉक्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो उसमें 5 स्पीड फॉरवर्ड गियर है और एक रिवर्स गियर होता है। तो ये है इसका 1st स्पीड गियर। ओके, तो ये इसका 1st स्पीड गियर है जो कि सबसे बड़ा है और ये है इसका स्लिप। ओके, तो ये गियर सिलेक्टर स्लिप है इसका और ये है इसका 2nd गियर, ये है इसका 3rd गियर और ये है इसका 4th स्पीड गियर। ओके, तो ये 1st स्पीड गियर था, ये इसका 2nd स्पीड गियर, क्योंकि 1st सबसे बड़ा होता है, 2nd सबसे थोड़ा सा और छोटा, 3rd थोड़ा सा और छोटा, 4th और छोटा और इसके ऊपर आएगा यहाँ पर इसका 5th स्पीड गियर, तो 5th स्पीड गियर जो है वो इससे और छोटा है। तो अभी मैं बेसिकली इसको फिटिंग कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से आपको इसका ट्रांसमिशन का जो सेटअप है इसका गियर सेट है ये पूरा इस तरीके से आपको फिटिंग कर देना है। तो यहाँ पर ये है इसकी काउंटर शाफ्ट जो कि सीधा इंजन से पावर लेकर के गियर ट्रांसमिशन में पावर कन्वर्ट करके आपके सीधे ये डिफरेंशियल में होकर के सीधे एक्सल ड्राइव एक्सल ड्राइव एक्सल से सीधे व्हील। ओके, तो यहाँ पर होता है इसका टॉप जिसको बेसिकली टॉप भी बोलते हैं और मेन शाफ्ट भी बोलते हैं,
और ये इसकी काउंटर शाफ्ट। तो यहाँ पर ये आपका क्लच, जो इसका क्लच होता है, इंजन से जो पावर लेता है, इंजन से पावर आने के बाद फर्स्ट गियर, सबसे पहले ये फर्स्ट गियर में पावर आया, पावर आने के बाद में ये सीधा यहाँ पर कनेक्टेड है इसके डिफरेंसर व्हील में, और डिफरेंसर व्हील से सीधा ये एक्सल, एक्सल से व्हील तक पावर जाता है। तो ये इस तरीके से बेसिकली इसके सेकेंड गियर, ये थर्ड गियर और ये फोर्थ गियर, तो ये इस तरीके से पावर कन्वर्ट होता है, और ये मैनुअली ट्रांसमिशन इस तरीके से बेसिकली काम करता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें जो फिटिंग है वो हमें किस तरीके से करनी है। ओके, तो ये मैं आपको गियर गियर में बता चुका हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये होती है कुछ इस तरीके की बेयरिंग। तो ये हमें सभी तरीके से आपको चेक करनी होती है, सारे पार्ट्स इसमें बिल्कुल ठीक थे। तो अभी मैं इस कार में ओनली इसका जो बॉडी है, इसका जो हजिंग है, मैं उसको रिप्लेस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फिटिंग करना होता है आपको उसमें मेन शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट, ओके, और इसका डिफरेंशियल गियर। तो इस तरीके से फिटिंग करने के बाद अभी हमें फंसाना होगा, यहाँ पर आएगा इसका बैक गियर। तो बैक गियर को लगाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक इसमें रोलर बैरिंग दिया हुआ है, तो ये बैरिंग लगा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वायरिंग होता है, और ये है इसका बैक गियर, कनेक्टेड बैक गियर। तो ये इस तरीके से ये मेन शाफ्ट से, और ये यहाँ पर इसमें इस तरीके से फिटिंग होता है, ओके। और ये बेसिकली यहाँ नीचे इसमें कहीं पर ये किसी गियर से अटैच नहीं है, ओनली ये इस गियर से अटैच होता है। तो अभी हम इस गियर को इस तरीके से इसकी लोकेशन पर यहाँ पर फिटिंग कर देते हैं। उसके बाद फंसाना होता है हमें बैक गियर को। तो ये है बेसिकली इसका बैक गियर, जो कि कन्वर्ट करता है कार को रिवर्स होने की स्पीड के लिए। तो ये रिवर्स गियर में काम करता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर इसमें आप पिन में कुछ ग्रुप्स देख सकते हैं, ये पिन में कुछ इस तरीके से ग्रुप है, और ये जो बैक गियर है ये इस पिन में पूरा कनेक्टेड है, ये इस पिन में फ्री नहीं है, ओनली ये ऊपर अप एंड डाउन होता है इस पिन में, लेकिन ये इसमें बिल्कुल कनेक्टेड है, ये इसमें फ्री नहीं घूमेगा। तो ये जो पिन है, ये यहाँ पर इसकी छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स में इस तरीके से फंस जाता है, ओके। तो ये इस तरीके से इसका बैक गियर जो है ये कनेक्टेड हो चुका है। जब भी आप कार में बैक गियर लगाते हैं, तो बेसिकली जैसे मान लीजिए आपकी कार का इंजन स्टार्ट है, तो ये जो शाफ्ट है ये सीधे इंजन से कनेक्टेड रहती है, क्योंकि इसकी मेन शाफ्ट है। तो यहाँ पर ये शाफ्ट इस तरीके से रोटेट होती है, तो ये शाफ्ट यहाँ से रोटेट होने के बाद इस गियर पर राउंड आता है, इसका आरपीएम आता है, और यहाँ से जब आप इसका बैक गियर डालते हैं, तो ये बैक गियर यहाँ पर कनेक्टेड हो जाता है। तो ये इस तरीके से इसका बैक गियर सिस्टम जो है काम करता है। और यहाँ पर हमें लगाने होते हैं इसके गियर सिलेक्टर लीवर। तो ये है इसके गियर सिलेक्टर लीवर। तो फ्रेंड्स, ये है इसका सिलेक्टर, तो इसके गियर सिलेक्टर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ओके। तो ये जो 1, 2, 3 एंड 4, तो इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सिलेक्टर लीवर का जो मतलब है 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि एक बार आपको गियर फिफ्थ गियर डालने की साइड, थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड, फर्स्ट और ये रिवर्स, ओके। तो ये फोर्थ इसलिए इसमें सिलेक्टर दिए हुए हैं, जिस तरीके से आपके लीवर पे ये बना हुआ है, सेम यही काम उन सिलेक्टर का है। तो इनमें से बेसिकली ये दो सिलेक्टर हैं, ये है आपका रिवर्स के लिए, और ये है फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, ये है थर्ड एंड फोर्थ के लिए, और ये है ओनली फिफ्थ स्पीड के गियर के लिए। तो इस तरीके से सिलेक्टर होते हैं, तो ये अप एंड डाउन होते हैं, ओके। तो अभी हमें ये फंसाने होते हैं। तो यहाँ पर हैं इसके कुछ छोटे छोटे ये पॉइंट्स, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ इन कटों में लगाने हैं, ओके। तो अभी हम इस जगह पर इनके जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, इस कट को, ये दोनों कट को हम यहाँ पर अभी फिटिंग करेंगे, इस जगह पर और इस जगह पर। तो इसको फिटिंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको लगाना होता है इसमें रिवर्स गियर का लॉक। तो रिवर्स गियर का लॉक लगाने के लिए यहाँ पर आपको एक स्टार एलंकी से 30 नंबर की विड्थ से, और ये आपको जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग आपको इस जगह पर फंसा देना है, इसके छोटे से अंदर, होल के अंदर, ओके। और ये जो कट है, इन कट में आपको लगाना होगा इसका बैक गियर का ये गियर। तो इस तरीके से ये आपको गियर जो है इसका फंसा देना है, ओके। तो जब भी आप बैक गियर डालते हैं, तो ये इस तरीके से ये गियर ऊपर नीचे अप डाउन होता है। जब आप बैक गियर नहीं डालते तो ये इस पोजीशन पर होता है, और जब आप बैक गियर डाल देते हैं तो ये इस पोजीशन पर होता है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैच हो चुका है, ये रिवर्स गियर में अभी गाड़ी, और ये न्यूट्रल पोजीशन पर, और ये फिर से रिवर्स गियर। तो अभी हमें पूरा फिटिंग करना होगा। तो फिटिंग करने के लिए यहाँ पर एक ये के प्लेट का लॉक है, तो उसको हमें लॉक को लगा देना होगा। तो इस कंडीशन में हमें कार को रिवर्स गियर में डाल करके, क्योंकि यहाँ पर जो स्प्रिंग है ये काफ़ी हार्ड होती है, तो इसको हमें रिवर्स गियर की कंडीशन पर ले करके इसको फिटिंग करना होगा।
तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए फ्रेंड्स, मैं अभी इसको पूरा कंप्लीटली फिटिंग करता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से इसका जो बोल्ट था वो लगा दिया, और यहाँ पर एक छोटा सा पिन होता है, वो पिन नहीं, आपको यहाँ इसके होल्स में लगा देना है, और ये बोल्ट आपको लगा देना है। तो अभी हमने इसका जो बैक गियर था उसको इंस्टॉल कर दिया है, जो बैक गियर पूरा इसका फिटिंग हो चुका है। ओके, तो अभी हम फिटिंग करेंगे इसके सिलेक्टर लीवर को। तो ये थे इसके बेसिकली सिलेक्टर लीवर, तो अभी हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको इन छोटे छोटे कट्स के बारे में बता चुका हूँ, तो ये आपको इस तरीके से फंसाने होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को आपको इसका कट जो है इस तरीके से घुमाने के बाद, ओके, इस तरीके से लेने के बाद ये आपको चारों कट सेट कर देने हैं इसके। और मैं आपको, तो मैं अभी आपको इसको फंसा के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी ना इसका जो गियर सिलेक्टर था मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको इसमें कनेक्टेड कर देना है। ओके, तो मैंने इसको फर्स्ट गियर, तो ये है इसका जो सिलेक्टर है, ये फर्स्ट एंड सेकंड गियर का है। तो ये जो गियर है ये काम करेगा फर्स्ट गियर पर और सेकंड गियर पर। जब ये इसको नीचे डाउन करेगा तो फर्स्ट गियर, ये ऊपर करेगा तो सेकंड गियर, और ये जो सिलेक्टर है इसका, ये इसका थर्ड गियर और फोर्थ गियर पर काम करेगा। जब ये नीचे जाएगा तो थर्ड, ऊपर आएगा तो फोर्थ गियर। और यहाँ पर है इसका ये बैक गियर से कनेक्टेड इसका सिलेक्टर, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर की साइड, और जब ये नीचे की साइड जाएगा तो ये इसको न्यूट्रल कर देगा। अभी ये रिवर्स गियर इसमें लगा हुआ है। ओके, और यह जब आप इसका जो हॉजिंग है इसको फिटिंग करेंगे तो यहाँ पर आते हैं इसके सेंटर के बोल्ट्स। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर फिटिंग करूँगा इसका फिफ्थ गियर वगैरह, जो वो जाके बाकी का इसका हॉजिंग कंप्लीट होने के बाद फिटिंग होगा। तो इस तरीके से आपको इसका सिलेक्टर लीवर है ये इसमें इंस्टॉल कर देना है। ओके, तो ये था फॉक्सवैगन पोलो का ट्रांसमिशन। तो अभी मैं इसको आगे कंप्लीट करता हूँ, आगे कंप्लीट करने के बाद मैं आपको उसका पूरा दिखा देता हूँ, यह हमें किस तरीके से फिटिंग करना होगा। तो बेसिकली इसका हॉजिंग जो रखना है उसके लिए सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट है इसका बैक गियर का, तो इसको भी आपको इसी पोजीशन पर ले करके, तो यहाँ पर इसमें एक ये रोलर बैरिंग होता है, तो ये रोलर बैरिंग जैसे कि आपने देखा था अभी नीचे जो इसका हमने नीचे जो गियर लगाया हुआ है वो बैरिंग इस तरीके से है। तो अभी हमें ये दूसरा बैरिंग लगाना, तो ये दूसरा बैरिंग हमें इस तरीके से लगाना होगा, क्योंकि ये जो साफ्ट है इसकी ये राउंड लेती है तो ये रोटेट होती है, तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से बैरिंग जो है काम करेगा। तो अभी ये हमने इस तरीके से इसको फंसा दिया है। ओके, तो अभी हम इसको पूरा बोल्ट खोल देते हैं और लगाते हैं इसको, इसका जो हॉजिंग है पार्ट को। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को क्लीन करना होगा, इसके फेस को क्लीन करने के बाद यहाँ पर हमें सिलिकॉन ट्यूब यूज करना होता है, क्योंकि तो इसमें कोई पैकिंग नहीं होती है, तो सिलिकॉन ट्यूब की मदद से हम इस गियरबॉक्स को फिक्स करेंगे। ओके, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ये हमें सिलेक्टर लीवर किस तरीके से इसमें फिटिंग करना होता है, तो बेसिकली यहाँ कंपनी भी इसमें पूरा मेंशन करके देती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है इसका फर्स्ट गियर का सिलेक्टर लीवर, और ये है इसका थर्ड एंड फोर्थ गियर का सिलेक्टर लीवर। तो ये इसका फर्स्ट गियर का सिलेक्टर लीवर है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, तो ये थर्ड फोर्थ वाला आपको थर्ड फोर्थ में लगाना है, फर्स्ट वाला आपको फर्स्ट वाले गियर में लगाना है। तो इस तरीके से आपको इसके सारे सिलेक्टर फिटिंग कर देने हैं। ओके, तो अभी फिटिंग करते हैं इसके ट्रांसमिशन को। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इस पर पूरा सिलिकॉन ट्यूब लगा दिया है। तो जैसे कि हमने सिलिकॉन ट्यूब इस पर लगा करके ले लिया है। ओके, तो उसको आपको ध्यान रखना होता है, यहाँ पर एक आपको छोटा सा मैग्नेट लगाना होगा। तो ये मैग्नेट होता है, इसको जितनी भी इसकी ट्रांसमिशन के अंदर गियर के अंदर जो भी एमरी होती है सबको मैग्नेट करना, और यहाँ पर ये आपको सिलेक्टर लीवर इस पोजीशन पर लेना होता है। ओके, तो ये तीनों चारों की कंडीशन इस तरीके से बराबर होनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स बैक गियर के गियर का बोल्ट आपको एक तो यहाँ सिलेक्टर लीवर के अंदर इस साइड लगाना होता है और एक बोल्ट आपको इस जगह पर लगा देना है। ओके, तो ये एक बोल्ट इस तरीके से हमें कस देना है इसके ठीक सेंटर पर। तो ये थी इसकी बैक गियर की, अंदर आप देख सकते हैं ये हिल रहा है, ये इसका फोक था रिवर्स गियर का। ओके, तो ये इस तरीके से आपको इसका बोल्ट लगा देना है। और जो सेकंड बोल्ट है रिवर्स गियर का, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर इसके ठीक सेंटर पर लगा देना होगा। तो कम्प्लीटली सबसे पहले फर्स्ट आपको रिवर्स गियर के दोनों बोल्टों को टाइट करना होता है। ओके, तो ये हमने इसके रिवर्स गियर के दोनों बोल्टों को टाइट कर दिया है। तो अभी हम लगाएंगे इसमें सेक्टर लीवर के कुछ ब्रैकेट। तो ये इस तरीके से कुछ चार ब्रैकेट होते हैं, तो अभी हमें इसको क्लीन करके इसके ब्रैकेट हैं इसको लगाते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट नंबर ब्रैकेट। तो इसमें कोई आप इसको लेफ्ट साइड भी लगा सकते हैं, राइट साइड भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा लेफ्ट और राइट का कोई सिस्टम नहीं है। तो बेसिकली आपको ये लगाना किस तरीके से ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये छोटे छोटे दो होल्स देख रहे हैं, तो इन छोटे छोटे होल्स में आप देख सकते हैं अंदर सिलेक्टर लीवर का जो बैरिंग है वो आपको अंदर नज़र आ रहा होगा। ओके, तो ये आपको इसके बीच सेंटर पर लेकर के इस तरीके से, और ये आपको इजीली लगा देने हैं। तो ये आपको पूरा बैठाना होता है इस तक। ओके, तो फ्रेंड्स ये इजीली आपको इस तरीके से लगा देना है। तो ये इसके फेस से बिल्कुल लग गया है और ओके, और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल चिपक चुका है इससे। और ये दोनों साइड हमने इसके दोनों ब्रैकेट लगा दिए हैं। तो ये थे इसके सिलेक्टर लीवर के ब्रैकेट जो उसको बीच सेंटर पर रोक के रखेंगे। तो ये इसी तरीके से आपको लेफ्ट एंड राइट और दोनों साइड लगा देने हैं। ओके, तो अभी हम इसके सारे बोल्ट कंप्लीट करेंगे, इसके गियर बॉक्स खोजेंगे। यहाँ पर आपको अंदर कुछ बोल्ट लगाने होते हैं, कुछ बोल्ट इसके बाहर साइड से होते हैं, कुछ बोल्ट अंदर की साइड से होते हैं। कम्प्लीटली अभी हमने इसके ट्रांसमिशन के सभी बोल्टों को लगा दिया है, उसके अंदर के साइड के सभी बोल्ट लग चुके हैं। तो अभी हम फंसाएंगे इसमें सेक्टर लीवर। तो यहाँ पर आपको जितने भी सिलेक्टर हैं अंदर, ये आपको बराबर इस पोजीशन पर लेने होते हैं। तो ये सभी अभी इस समय न्यूट्रल पोजीशन पर है, जब भी अगर कोई भी एक आगे पीछे होगा तो वो गियर की कंडीशन पर है। तो अभी ये चारों जितने भी इसके सिलेक्टर हैं वो अंदर न्यूट्रल पोजीशन पर है। तो ये था इसका सिलेक्टर लीवर। तो सिलेक्टर लीवर में यहाँ पर जो ये पिन आपको दिख रही है, ये पिन आपको इस कट में लेनी होती है क्योंकि इस साइड है। ओके, तभी हम इसको इसी तरीके से इसमें इजीली फिटिंग करेंगे। तो आपको बड़े ही केयरफुल तरीके से लेनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा ये कट है इस पैकिंग का, तो इस पैकिंग के कट को आपको यहाँ इस कट में लेना होगा। तो ये इस तरीके से कट में फंसाने के बाद आपको उसके सिलेक्टर को लगा देना है। तो ये इजीली इस तरीके से इसमें फिटिंग हो जाता है। तो उसको लगाने के बाद आपको यहाँ पर इसके सभी बोल्ट लगा देने हैं। तो इस तरीके से इसका जो सिलेक्टर लीवर था फिटिंग हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एक बोल्ट लगाना होगा इस साइड, और एक बोल्ट आपको इसके इस साइड लगाना होता है। ओके, तो ये था इसका रिवर्स गियर स्विच। दो बोल्टों को टाइट करने के बाद कम्प्लीटली हम इस गियर को सीधा करके इसका जो फिफ्थ गियर है उसको फिटिंग करेंगे। तो ये है इसका फिफ्थ गियर। ओके, तो फिटिंग करते हैं इसके फिफ्थ गियर को। इसको पूरा फिटिंग कर दिया, टाइट कर दिया है। तो अभी हम लगाने वाले हैं इसमें फिफ्थ गियर को। तो ये है इसका फिफ्थ गियर का काउंटरशाफ्ट गियर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इसमें इस तरीके से इसका फेस है और ऊपर की साइड प्लेन है। तो ये वाला एरिया आपको इस तरीके से इसमें फिटिंग कर देना है। और ये है इसका फिफ्थ गियर। तो सबसे पहले आपको लगाना होता है इसके अंदर रोलर बैरिंग। बैरिंग लगाने के बाद आपको लगाना होता है फिफ्थ गियर की गियर को। तो ये इसकी गियर की गिरारी है।
उसके बाद लगाना होता है आपको सैंक्रोनायर रिंग को। तो ये इसकी पीतल की रिंग होती है सैंक्रोनायर, तो इस तरीके से आपको लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट्स होते हैं, तो ये 3 डॉट अब आपको लगाना होता है इसमें सिलेक्टर को। तो ये है इसकी गियर चेंजर सिलेक्टर, जिसको हम स्लिप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इसमें ये वायर का लॉक होता है, और ये छोटे छोटे कट्स हैं, ये जो कट है ये कट वाला एरिया, ये आपको लेना होगा यहाँ 5th गियर पर। तो ये और सबसे बड़ी मेन चीज़ ये आपको देखना है, ये स्लिप का जो गियर है, ये टेपर वाला जो एरिया है, ये आपको गियर साइड लेना होता है, और जो प्लेन गियर है प्लेन वाला एरिया आपको ये ऊपर की साइड लेना है। तो ये वाला एक ग्रुप है, ये आपको ऊपर लेना है, और ये वाला जो एरिया है ये आपको नीचे की साइड लेना है। तो अभी हम इसको फिटिंग करने वाले हैं इस तरीके से, ओके। और साथ में लगाएंगे हम यहाँ पर इसका सिलेक्टर, जो कि यहाँ पर और इस जगह पर इसमें कनेक्टेड होगा। तो फिटिंग करते हैं इसके 5th गियर को। तो इसमें सबसे पहले आपको वाली गिरारी को पुश करना होता है, तो कम्प्लीटली हमने इस गियर को पूरा फिटिंग कर दिया है। यह जो गियर था इसकी लेबल से फिक्स हो चुका है। तो अभी हम फिटिंग करते हैं इसके 5th गियर की गियर को। तो यहाँ पर मैंने इसकी सैंक्रोनायर थी, ये इसके कट में फंसाने के बाद मैं इसको भी इसके इसी तरीके से फिटिंग करूँगा। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ नीचे की साइड से पकड़ के रखना होता है ये चीज़, और धीरे धीरे आपको इसको पुश करते जाना है। फ्रेंड्स कम्प्लीटली अभी हमने जिस तरीके से काउंटरशाफ्ट के गियर को फिटिंग किया था, सेम उसी स्टेप से हमने इसके 5th गियर की आपको भी इसमें फिटिंग कर दिया है इसके हैमर की मदद से। तो अभी एक आपको प्लेन पार्सल और ये बोल्ट आपको लगाना होता है। तो इस तरीके से हम इसके प्लेन पार्सल को लगा देते हैं, आपको इसी तरीके से रखना होता है टेपर वाला ऐसा। और यहाँ पर भी आपको ये सेकंड दूसरा जो बोल्ट है वो भी आपको लगा देना है। तो इस तरीके से आपको पहला और दूसरा दोनों बोर्ड लगा देने। तो यहाँ पर आपको 2 बोर्ड्स लगाने होते हैं, और ये ब्रैकेट आपको इसके स्लिप पर लगाना होता है सिलेक्टर पर। तो इस बोल्ट को कसने के लिए ये आपको टूल्स यहाँ से डालना होता है। फ्रेंड्स कम्प्लीटली अभी हमने इसके सारे बोल्ट टाइट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमें टाइट करना होता है इस बोल्ट को, और ये दोनों बोल्ट टाइट करने होते हैं, और 2 बोल्ट हमें ये टाइट करने होते हैं। तो हमने दोनों बोल्ट ये टाइट कर दिए, एक इसके अंदर बैक गियर के ब्रैकेट का बोल्ट है ये हमने टाइट कर दिया, सारे बोल्ट हमने ये टाइट कर दिए। तो अभी मैं आपको इसमें गियर शिफ्ट करके दिखा देता हूँ। तो इस समय जो इसका गियर लीवर है ये इस समय न्यूट्रल पोजीशन पर है। तो अभी मैं आपको गियर शिफ्टिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसके अंदर जो रॉड है, इस तरीके से हम यहाँ से इसमें गियर शिफ्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको 1st, 2nd, 3rd सब गियर इसमें चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 1st, 3rd, 3rd, 4th रिवर्स एंड 5th। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका 5th गियर है। तो ये 5th गियर अभी इस समय 5th गियर पर है, ओके। तो ये जब ये नीचे हुआ एंगेज, तो ये यहाँ पर ये 5th गियर पे आ चुका है।
और इस समय ये न्यूट्रल पोजीशन पर है। ओके, तो आपको फिफ्थ गियर डालने के लिए लीवर को पीछे की तरफ ले करके इसको नीचे उठाना होता है। तो इस तरीके से इसका फिफ्थ गियर लग जाता है और इसी तरीके से इसके सभी गियर काम करते हैं। तो थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, सेकंड, तो इसमें बेसिकली सारे गियर सभी काम कर रहे हैं। तो अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे इसका गियर बॉक्स का होजिंग का कवर, और यहाँ पर हमें एक कवर लगाना होता है जो कि ये कवर है, ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग हो जाता है। तो अभी हम इस कवर को भी यहाँ पर फिटिंग कर देते हैं। ओके, तो इस कवर को हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें लगानी होगी इसकी एक रबड़ की पैकिंग, और पैकिंग लगाने के बाद हमें ये मेट्रो का कवर है इस कवर को फिटिंग करना होगा। तो ये इस तरीके से कुछ एक ये रबड़ की पैकिंग होती है, तो ये पैकिंग लगा करके आपको इस कवर को ईजीली इस तरीके से फिटिंग कर देना है। ओके, अभी हम इस कवर को पूरा फिटिंग करेंगे। तो ये था फॉक्सवैगन पोलो का मैनुअल ट्रांसमिशन। फ्रेंड्स, कम्प्लीटली हमने इसका जो ऊपर कवर था वो कवर लगा दिया है। तो अभी हम सारे बोल्टों को कसने के बाद इस ट्रांसमिशन को फिटिंग करेंगे इसकी कार के अंदर। फिटिंग करके मैं आपको टेस्ट ब्रेकेज पूरा चेक कराऊंगा, हमें किस तरीके इसके वायर के अलाइनमेंट मिलाना चाहिए और किस तरीके से हमें गियर को यूज करना चाहिए। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, कम्प्लीटली हमने पूरा गियर कम्प्लीट कर दिया है, और यहाँ पर हमने इसका सेंट्रल लीवर फॉक है और ये इसका रिलीज बेयरिंग है, तो दोनों हमने लगा दिए हैं। तो अभी हम इसको कम्प्लीटली गाड़ी में फिटिंग करेंगे। तो कार में फिटिंग करने के लिए यहाँ पर है इसका क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट का सेट, और ये हमें इसके सेंटर पर यहाँ पर इसका हाउसिंग फिटिंग करना होगा। ये है इसका ड्राइव एक्सल। ओके, फ्रेंड्स, कम्प्लीटली हमने इसका जो ट्रांसमिशन था वो पूरा फिटिंग कर दिया है। तो अभी हमने इसके एयर फिल्टर, बैटरी, माउंट, इसके ड्राइव एक्सल, व्हील्स, सभी कुछ पूरा कंप्लीट होने के बाद अभी हम इस कार को चेक करने वाले हैं, वो टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम इसके मैनुअली अभी बंद गाड़ी पर इसके मैं आपको गियर शिफ्ट करके दिखा देता हूँ। वो यहाँ पर यह है इसका गियर लीवर, तो यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है ये इसका रिवर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, तो आपको रिवर्स गियर के लिए ये आपको लीवर जो है नीचे पुश करके तब आपको रिवर्स गियर लगाना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं इसमें लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और रिवर्स के लिए आपको ये लीवर पुश करके आपको रिवर्स लेना होता है। तो ये इसका रिवर्स गियर लग चुका है, तो अभी हम इस कार को स्टार्ट करके टेस्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था किस तरीके से हम इस कार का जो ट्रांसमिशन है उसको रिपेयर किया था, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो बाकी का हमने इसका जो ट्रांसमिशन था उसको रिपेयर करके हमने टेस्ट ड्राइव का लेकर के सब तरीके से हर तरीके से इसको चेक कर लिया था, कार में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ऑल ओके है कार। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष कार टेक्नोलॉजी।